इन तीनों ने ये बताया है कि ये जो डीलर था अरुण कुमार सिंह, ये कैरेक्टर वाइज अय्याज किस्म का आदमी था और इसने क्षेत्र में कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया था। ये डीलर में जो सामान देता था, अनाज वगैरह, उसी को देने के क्रम में ये अपने जाल में फंसाता था, यौन शोषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। बेगूसराय पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेगूसराय पुलिस ने 10 मार्च को हुए मंझौल थाना क्षेत्र के पवरा गांव में हुए डीलर हत्याकांड में 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बता दें, यही तीनों अपराधी बीते दिनों 23 जून को टेंट संचालक की भी गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस लगातार एक्टिव मोड में थी और लगातार इस पूरे घटना का उद्भेदन में लगी हुई थी और आज बेगूसराय पुलिस ने उसका उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने 3 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी खुद बेगूसराय के SP योगेंद्र कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बेगूसराय के SP, आइए सुनते हैं। इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है मार्च के महीने में। मझौल क्षेत्र में एक अनाज के डीलर हैं अरुण कुमार सिंह, इनकी चाकू मार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मैंने SDPO मझौल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया था। यह टीम लगातार अपना काम कर रही थी और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। पूछताछ में तीनों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। इन तीनों ने यह बताया है कि ये जो डीलर था अरुण कुमार सिंह, ये कैरेक्टर वाइज अय्याज किस्म का आदमी था और इसने क्षेत्र में कई महिलाओं के साथ यौन शोषण किया था। ये डीलर में जो सामान देता था, अनाज वगैरह, उसी को देने के क्रम में ये अपने जाल में फंसाता था, यौन शोषण इसने किया। हुआ यूँ कि ये तीनों अभियुक्त की घर की भी कुछ महिलाओं के साथ इसने यौन शोषण किया। ये बात जब तीनों अभियुक्तों को पता चली तो ये काफ़ी आक्रोश में आए और इन लोगों ने बदला लेने के लिए या इस आदमी को ठीक करने के लिए पूरा प्लान बनाया, षड्यंत्र रचा और ये लोग रात को वहाँ पहुँचे जहाँ ये सोता था, उसको पकड़ा और चाकू गोद के हत्या इन लोगों ने की। चाकू मारने के क्रम में इन लोग को भी चोट लग गई है, वो भी हम लोग ने देखा है, उसका भी हम लोग मेडिकल करा रहे हैं। इसके अलावा घटना के कुछ दिनों के बाद इन्हीं तीनों अभियुक्तों ने एक टेंट हाउस संचालक है अरविंद तांती, उस पर भी गोली चलाई थी, तो उसमें भी केस दर्ज हुआ था। तो जब वो घटना भी हम लोग ने पूछी तो इन्होंने बताया कि उस टेंट संचालक से उस टाइम से इन लोग की दुश्मनी चल रही थी और बीच में मारपीट भी हुई थी, तो उसी में बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए इन लोगों ने ये घटना कारित की थी। तो इन तीनों की गिरफ्तारी से अरुण कुमार सिंह डीलर मर्डरकांड का भी खुलासा हो गया है और जो गोली चलाई थी टेंट संचालक पर, उसका भी खुलासा हुआ है। यदि ये तीनों ना पकड़े जाते तो आगे चल के ये कोई और बड़ी घटनाएं देते हैं या कोई बड़ा आपराधिक गैंग भी ये लोग बना लेते हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से उस क्षेत्र में जो घटनाएं हो सकती थी उनको रोक लिया गया है। इसमें SDPO मझौल और इनकी टीम ने बड़ा ही कुशलतापूर्वक अपना काम किया है, तो मैं अपनी तरफ से भी इनको पुरस्कृत करूँगा और इन तीनों अभियुक्तों पर इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट करके हम लोग स्पीडी ट्रायल चला करके इन लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। और ये अरुण कुमार सिंह डीलर के बारे में जो सूचना हम लोग को मिली है, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि समाज में इस प्रकार का गलत काम ये कैसे इतने दिनों तक कर रहा था और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इस पर भी हम लोग अपना प्रयास इस पर रखेंगे। धन्यवाद।